मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव का आज अंतिम दिन है। व्हाइट हाउस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल से RBS लाइव इंडिया ने इस अवसर पर बातचीत की और उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दिया। बताइए जो आपकी चुनाव की जो प्रक्रिया है और जो समर्थन आपको मिल रहा है वो किस प्रकार से आपकी चल रही है आजकल? देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव व्यापारी और उद्योगपतियों का चुनाव है और व्यापारी और उद्योगपति एक समझदार लोगों का मतदाता है। इसमें वो सारी स्थिति और परिस्थिति को समझते हैं और सारी स्थिति और परिस्थिति को समझते हैं तो वो किए गए कार्यों के आधार पर दोनों की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं और पुनः अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं वर्तमान में मानसेवी सचिव हूँ और अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो सभी लोगों ने दोनों के कार्य देखे हैं और वो कार्य देखे हैं तो उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। मुझे लगता है जो मुझे जन समर्थन मिल रहा है, जो व्यापारियों का प्यार मिल रहा है, जो शुभकामनाएँ मिल रही हैं मुझे, अकल्पनीय शुभकामनाएँ और लोगों का स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि व्यापारियों ने ये मन बनाया है और वो 18 तारीख को परिणाम में मालूम पड़ेगा, लेकिन बड़ा आशाजनक स्नेह और उत्साह से मेरे को समर्थन मिल रहा है। प्रवीण जी, कुछ एक ऐसी वीडियो सामने आई है कि आपके कुछ कर्मचारियों को जो आपने जो पैसा चैम्बर की तरफ से एकत्रित करके जो दिया था उसमें कुछ आपकी तरफ से क्या उसमें त्रुटि आई है? जो देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में व्यापारिक या औद्योगिक जगत के लिए किए गए कार्य या भविष्य में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा ना करते हुए सामने वाले हाउस ने चैम्बर के स्टाफ के परिवार को इसके अंदर उपयोग किया है। ये बेहद ही, मैं समझता हूँ कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं जानते हैं ये चैम्बर के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। जहाँ तक उसकी बात है तो उस परिवारजन को जो उनका अधिकार था, उस अधिकार में जो ग्रेचुटी बनती थी और ग्रेचुटी के बाद मानवता के आधार पर चैम्बर की कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया, उनको 1,00,000 रुपये अतिरिक्त, लगभग 2,50,000 रुपये उनको दिए जा चुके हैं। इसके बाद जब वो परिवारजन मुझसे मिलने आए तो मैंने मानवता के पहलू को आगे रखते हुए ये सोचा, हालांकि मैं ऐसा नहीं करता तो बाध्यता नहीं थी चैम्बर के ऊपर ना मेरे ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि इनकी 2 बच्चियां हैं और जब इसका विवाह होगा तो इन बच्चियों को अपने पिता की कमी आर्थिक रूप से भी खलेगी। तब मैंने एक मैसेज सभी सदस्यों के लिए डाला कि अगर कोई इन बच्चियों की मदद करना चाहता है तो वह चैम्बर कार्यालय में जमा कर सकता। लोग आगे आए तो लगभग 1,20,000 रुपया चैम्बर में एकत्रित हुआ। उन परिवारजनों को जब ये मालूम पड़ा कि ये पैसा हमारे लिए इकट्ठा हुआ है तो उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि आप हमें ये पैसा दे दीजिए। मेरा कहना एक था कि ये पैसा आपके विवाह पे मिलेगा, क्योंकि ये उसी संकल्प से हमने किया है, वो पैसा देना हमारी बाध्यता नहीं है, वो पैसा उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन ये मानवता का है तो मानवता के आधार पर हमने जिस सदस्यों से अपील की और सदस्यों ने भी वही मानवता दिखाते हुए ये पैसा दिया। और वो पैसा उसमें जो तय है वो तय है कि जितना भी पैसा होगा उसका 50% दोनों बेटियों में बराबर की राशि बांट दी जाएगी। अभी वो 1,20,000 रुपये इकट्ठा हुआ है, ये चूँकि चैम्बर का कार्यकाल खत्म हो गया, वो ये मिशन यहाँ नहीं रुका है। उनको मेरा मन में जो संकल्प है कि उनको 2,00,000 रुपया उनके लिए एकत्रित किया जाए जिससे 1,00,000 रुपये की दोनों बच्चियों के नाम पे FD हो, जो संयुक्त रूप से हो, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हो और बच्ची भी हो, और वो उस कंडीशन पे हो कि ये FD केवल और केवल शादी पर ही तोड़वाई जा सकेगी, क्योंकि अगर जब हमारे यहाँ पैसा आ जाता है तो ज़रूरतें पहले आ जाती हैं, तो वो मानवता का पहलू है। उस मानवता के पहलू को वो जिस तरीके से वोट मांगने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुधी और प्रबुद्ध व्यापारी और उद्योगपतियों का मन भटकाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही क्षोभ है मुझे कि आखिर चैम्बर को वो कहाँ लेना चाहते हैं।
व्यापारियों को इतने दिन में आपको कैसा लगा, क्या अनुभव रहा आपका व्यापारियों के साथ, तो कैसा रुझान है उनका आपके प्रति? देखिए, मैंने पहले बताया कि जो मेरे कार्य हैं और जो उनके कार्य हैं, व्यापारी उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, और 18 जनवरी को जो मतदान होगा और मतदान के बाद जो मतगणना होगी, निश्चित रूप से जो व्यापारियों का निर्णय होगा मेरे को स्वीकार है। चैनल के माध्यम से आप व्यापारियों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि चैम्बर के लिए दोनों प्रत्याशियों में कौन उपयोगी है, कौन आपकी बात को प्रमुखता से रख सकता है, कौन आपकी बात को प्रभावी रूप से शासन प्रशासन तक पहुंचा सकता है, और कौन जरूरत पड़ने पे आसानी से और जल्दी उपलब्ध हो सकता है, इस आधार पे आप तुलनात्मक अध्ययन करें और अपना निर्णय लें।